हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए, ये अमरा लिली के बल्ब हैं और ये मेरा पॉट फट भी गया है, तो मैं देख रही थी इसमें क्या प्रॉब्लम है, या बल्ब एक्स्ट्रा हो गए हैं या कैसे हैं। ये मैंने पिछले साल ग्रो किए थे, ऑनलाइन बल्ब मंगाए थे, और देखिए इसमें अपराजिता का प्लांट भी है, और देखिए मैंने निकाल लिया है, तो इसमें काफ़ी सारी रूट्स भी हैं, और इसको अपराजिता को भी निकालना है, लेकिन मैं रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये सारे एक्टिव रूट्स हैं, और इस तरीके की रूट्स होती हैं इसमें अमरा लिली में, मोटी मोटी रूट्स होती हैं, छोटी छोटी पतली पतली नहीं होती हैं, कम होती हैं। तो इसको थोड़ा हमें बड़ा गमला देना चाहिए, फैलने जैसे कि फैलने वाला गमला होता है, चौड़ा गमला, इस टाइप का हमें इसे गमला देना चाहिए। और ये मेरी ये जो पहले मैंने इसको टप दे रखा था, ये पॉट दे रखा था, ये बहुत छोटा था, तो ऊपर से इसमें एक और प्लांट एक्स्ट्रा ग्रो हो गया। दो बल्ब मैंने लगाए थे, अब ये दो से कई सारे बल्ब यहाँ पे छोटे छोटे बन गए हैं, तो इसलिए ये मेरा पॉट फट गया है। ये बल्ब वाले प्लांट के चक्कर साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि ये बल्ब बनाते हैं तो पॉट में जगह नहीं रहती है, तो पॉट फटने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो आज मैं थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा गमला दूंगी, और थोड़ा ऊपर से ये फैला भी है और गहरा भी है थोड़ा सा इससे, तो इसमें आज मैं इसको शिफ्ट करूंगी। फर्टिलाइज़र नहीं दूंगी, फर्टिलाइज़र मैंने पहले ही दे रखा था इसमें। इसमें वैसे मैंने मैरीगोल्ड का प्लांट निकाला है, तो उसको कुछ दिन पहले ही मैंने फर्टिलाइज़र दिया था, बोन मील और वो गोबर खाद वगैरह। तो अब सिर्फ मैं इसमें फंगीसाइड के तौर पे नीम खली का यूज़ करूँगी, और इसको सॉक से बचाने के लिए मैं इसका एप्सम साल्ट का यूज़ करूँगी। बस दो ही चीज़ मैं इसमें यूज़ करूँगी, और थोड़ा सा मैं इसको बल्ब को थोड़ा ऊपर में लगा रही हूँ, ज़्यादा गहराई में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें छोटे छोटे ये बल्ब निकल रहे हैं, प्लांट निकल रहे हैं अमरा लिली के। और इस टाइम पे आप इसकी रिपोटिंग और बल्ब को भी अलग अलग शिफ्ट कर सकते हो, और ये अब मार्च से लेके अप्रैल मई तक ये खूब ब्लूमिंग पे करते हैं, बहुत बड़े बड़े इसमें फ्लावर आते हैं मेरे, इसमें पता नहीं कैसे आएंगे, लेकिन इसकी पिक्चर में तो रेड कलर का था, अब पता नहीं कैसा निकलेगा, तो वो तो खिलने के बाद ही पता मेरे को चलेगा, क्योंकि जी मैंने जब से लगाया इस पर भी फ्लावर नहीं आए हैं, मैंने थोड़ा गलत टाइम पे मंगाए थे। आप भी देख लीजिए कि आपको पास अगर बल्ब हैं तो आप देख लीजिए कि इस टाइम पे थोड़ा उन्हें रिपोटिंग या फर्टिलाइज़र, और इनकी मैंने लीव्स कुछ दिन पहले काट दी थी दिसंबर मंथ में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा इसकी एनर्जी खींचती रहती है। अब ये जो लीव्स निकल के आई, ये न्यू पप्स निकल के आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने काटा था, काफ़ी सारे निकल के आ रहे हैं। और मेरी ये तीन गमलों में देखिए, इसमें भी तुलसी जी उगाई हैं। तो क्या होता है, जब हमारे प्लांट रेस्टिंग टाइम पे होते हैं तो हम उनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, कटाई छटाई गुड़ाई नहीं करते, तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा प्लांट निकल के आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, और आप भी चेक कर लीजिए कि आपकी रूट बाउंड तो नहीं हो रही है। तो चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।